सबको जय मसीह की। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी प्रभु के कितने बड़े दास हैं। क्या आपको पता है प्रॉफेट जी की गवाही? अगर नहीं पता तो चलो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए इस वीडियो में कैसे प्रॉफेट जी अपने जीवन की गवाही दे रहे हैं। वीडियो दिखाने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और मसीह वीडियो के लिए। मैं एक लड़के की कहानी आपको बता रहा हूँ। एक लड़का था, 2008 में वो बैप्टिज्म लिया उसने, और उस लड़के ने उस लड़के के अंदर एक जागरूकता जागी, और उस लड़के ने क्या किया, उसने फैसला लिया कि मैं पूरी दुनिया के अंदर परिश्रम करूंगा यीशु मसीह के नाम के लिए, मैं लोगों को बताया करूंगा, मैं जगह जगह जाऊंगा और प्रभु के सुसमाचार को फैलाऊंगा। जब उसने मेहनत करने का, परिश्रम करने का फैसला लिया, तो उसी समय जब वो चल पड़ा प्रार्थना करता, वो रातों को उठ उठ कर दुआएं करता, रोता परमेश्वर के सामने, अपने परिवार के लिए नहीं लोगों के लिए रोता, दुआएं करता कि परमेश्वर पूरी दुनिया के लोग बच जाए, ये लोग छुड़ाए जाएं, ये लोग आजाद हो जाएं। परिश्रम करने लगा, घुटने टेक टेक कर प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, और परमेश्वर उसके परिश्रम को देख रहा था। लेकिन वो जैसे परिश्रम कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद खबर आई, कह रहा है कि थोड़े दिन वो प्रार्थना कर रहा था, और जैसे ही उसने फैसला लिया कि मैं गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ में जा जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा, उसने अपने हाथ में कह रहा है बाइबल को लिया और जाता झोपड़ियों में, जाता लोगों को सुसमाचार सुनाता, इधर जाता उधर जाता, जगह जगह लोगों को गवाहियां देता, यीशु मसीह के नाम के पर्चे बांटता। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो कागज पर कलम, अपनी कलम चलाकर यीशु मसीह का नाम लिखकर वो पर्चे बांटता, वो जगह जगह जाता, लोगों को सुसमाचार सुनाता। और जैसे ही उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, परिश्रम किया, थोड़े दिन में खबर आई कि उसकी माँ छत से गिर गई और प्रॉब्लम्स हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय वो लड़का फिर भी प्रार्थना करता रहा, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया उसकी माँ को, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना करता रहा। और जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, उसके 10 दिन के बाद एक और खबर आई कि उसकी दादी को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसकी दादी मर गई, और वो प्रार्थना फिर भी करता रहा, परिश्रम करता रहा, वो लड़का प्रभु में मेहनत करता रहा, दौड़ता रहा, चलता रहा। और थोड़े दिन के बाद जब वो प्रार्थना कर रहा था कि अपने घर में बैठकर, तो उसका छत, मकान की छत गिर गया और लेंटर गिर गया, और साथ में मकान में तिरड़े पड़ गई, और उसके बाप ने आकर कहा, बोलता है कह रहा कि जब से तू प्रार्थना करता है, बोलता है कह रहा तब से कह रहा मेरे घर में समस्या बढ़ती जा रही है, कह रहा कि तू इतनी मेहनत कर रहा है प्रार्थना करने में, तेरा खुदा कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है, बोलता है कह रहा निकल जा घर से। जैसे ही वो घर से निकला, उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, उसने प्रार्थना किया, उसने फिर भी हिम्मत ना हारा, वो निराश नहीं हुआ, वो फिर भी प्रार्थना करता रहा और खुदा को रोज बोलता रहा, इस वचन से बोलता रहा, परमेश्वर कि मेरा परिश्रम तू देख रहा है, अरे मेरा परिश्रम का फल कहाँ है। लेकिन वो करता रहा, वो बेचारा प्रार्थना करता रहा और दौड़ता रहा। लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि जब उसको घर से निकाल दिया गया, वो सुसमाचार सुना रहा था कि थोड़े लोगों ने क्या किया, कि थोड़े लोगों ने उसको पकड़ कर मारना पीटना शुरू किया, और पीटा और उसको जेल में डाल दिया। और जब उसको जेल में डाला, तो समय भी वो वहां जेल में बैठकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, प्रार्थना करता रहा और बोलता रहा, एक दिन तो मेरा खुदा मेरे परिश्रम का फल देगा। वो रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, वहां पर भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, उसने जेल में भी बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया। और उसी समय जब वो ऐसे प्रार्थना करके बाहर निकला, थोड़े दिन के बाद वो किसी जगह पर करे के एक आदमी के घर पर काम करने लगा, उसके बासण मांगता, उसके कपड़े धोता, बड़ी मेहनत करता। थोड़े दिन के बाद खबर आई उस लड़के के लिए, वो मेहनत कर रहा था, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो मेहनत करता करता प्रार्थना फिर भी करता, वो काम पर जाता लेकिन रात को वो प्रार्थना करता, सुबह उठता प्रार्थना करता, लेकिन फिर खबर आई कि उसकी लड़की छत से गिर गई। और उस समय फिर भी वो, जब उसकी लड़की छत से गिर गई, तो उसी समय फिर भी प्रार्थना करता रहा, धन्यवाद करता रहा परमेश्वर का, और परमेश्वर देखता रहा, और वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसने अपने परिश्रम को बंद नहीं किया, वो फिर भी चलता रहा, दौड़ता रहा। और एक दिन उसको क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद के वो लड़का पास्टर बन गया, और पास्टर बनने के बाद कह रहा उसने जगह जगह, गांव गांव में जाकर, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में जाकर उसने सुसमाचार सुनाया। थोड़े दिन के बाद खबर आई कि उसके भाई को टीबी की बीमारी होगी, प्रॉब्लम्स होगी, वो फिर टेंशन में गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत रहा, प्रार्थना करता रहा,
प्रार्थना करता रहा, विनती करता रहा, जिस पास्टर के साथ काम करता था उसके साथ करे के उसी समय क्या हो गया, करे के वो लोग नफरत करने लगे उससे और चलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। उसने छोड़ दिया वो चर्च और वो साइड में अपने नाम की प्रार्थना वो बोलता रहा, परमेश्वर से मेहनत करता रहा, फिर भी दुख उठाता रहा और चलता रहा, अपने परिश्रम को बंद नहीं किया, अपना परिश्रम जो उसने यीशु मसीह में वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो करता रहा, मेहनत करता रहा। और एक दिन फिर क्या हुआ, कह रहा है कि जब वो प्रार्थना करने के लिए गया, थोड़े दिन के बाद एक किसी ने उसको झूठे केस के अंदर डाल दिया, और उसी समय जब झूठे केस में उसको अंदर डाल दिया, वो वहां भी सुसमाचार सुनाता रहा, वो परिश्रम करता रहा, मेहनत करता रहा। किस लिए, यीशु मसीह के लिए, के नाम के लिए दुख उठाता रहा, प्रार्थना करता रहा। लेकिन जब वो जेल में था तो उसी समय उसके पास खबर आई, जब वो प्रार्थना कर रहा था, लोगों को सुसमाचार सुना रहा था, खबर आई कि मकान मालिक ने तेरे बच्चों को बाहर निकाल दिया है, और मकान मालिक ने नोटिस दे दिया है, तेरी पत्नी तेरे बच्चे सड़क पर आ गए हैं, घर से बाहर निकाल दिया है, रो पड़ा है ये व्यक्ति, अरे ये लड़का रो पड़ा है और बोलने लगा है, बोलता है, और ये बच्चा इसके सामने आता है और हाथ उठाकर कहने लगा, है आसमान के खुदा, बोलता है इतने साल मैंने परिश्रम किया, बोलता है मेरा प्रतिफल कहाँ है, मेरी मेहनत का प्रतिफल कहाँ है, और यहाँ पर रो पड़ा है। लेकिन उस समय रहा नहीं गया इसे, जब बीवी बच्चे सड़क पर आ गए, अरे मकान मालिक ने घर से हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दिया उस समय। अरे मैं आपको बता रहा हूँ इसका हाल क्या होगा, अरे ये लड़का रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन फिर भी इसने जवाब नहीं दिया परमेश्वर को, फिर भी ये शाम को प्रार्थना करने के लिए गया, ये फिर सुबह प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन रो रहा था और लेकिन कह रहा था, उस दिन हार गया ये लड़का और टूट गया और कहने लगा, बोलता है कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा, अब मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा, मैं थक गया हूँ। लेकिन उस रात इसके कानों में आवाज आती है, और इसके कानों में आवाज आती है, बोलता है अपना रोना पीटना बंद कर, अपना रोना पीटना बंद कर, कह रहा कि तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है, तेरी मेहनत का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है। इस लड़के के कान में जब ये आवाज आई और इसने पुस्तक जब बाइबल खोली तो बाइबल के अंदर ये वचन लिखा था, यिर्मयाह के 31:16 में वो लिखा वहां पर, यहोवा यूं कहता है, कह रहा कि अपना रोना पीटना बंद कर, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, वो आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, ऐ मेरा बेटा है मेरी बेटी सुन, अपने आंसुओं को कह रहा परमेश्वर को एक सामने अगर आपने बहाए है, अगर आपने परिश्रम किया है, यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाया है, अगर आपने अगर प्रार्थना की है, बाइबल पढ़ी है, अगर आपने अपना पेट काट कर लोगों की हेल्प की है, मैं कह रहा हूँ आज रात आपका प्रतिफल आपकी गोद में आने वाला चर्च, आपकी गोद में आने वाला चर्च, मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, आपकी गोद में आने वाला है। ये लड़का विश्वास करके कह रहा वहां पर भी कह रहा विश्वास कर रहा था, लेकिन रात को कह रहा जब इसने वचन को पढ़ा, सुबह खबर आई कि इस लड़के की जमानत हो गया और ये अपने घर पर गया। ये लड़का जैसे ही बाहर निकलता है, परमेश्वर का रोता हुआ धन्यवाद करता हुआ जा रहा था, और उसी समय पवित्र आत्मा ने क्या किया, बोलता है पवित्र आत्मा ने कहा तू जा, एक आदमी उसके पास आया, बोलता है मेरा बच्चा मर गया है, उस लड़के ने उसके ऊपर हाथ रखा, वो बच्चा जिंदा हो गया। एक औरत एक और उसके पास आई, बोलती कि मेरे बच्चे की आंख नहीं है, उसने हाथ रखा, चमत्कार हो गया, उसकी आंखें वापस आ गई। एक औरत और आई, बोलती है रसोली है कैंसर है, और उसने उसके ऊपर हाथ रखा, वो कैंसर चला गया, चमत्कार करने लगा परमेश्वर, उस लड़के के जीवन से चमत्कार होने लगे। मैं कह रहा हूँ कि उस लड़के के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार पर चमत्कार करना शुरू कर दिया, जितना दुख उठाया था उससे ज्यादा परमेश्वर ने उसको अनॉइंटिंग देना शुरू कर दिया। आज वो लड़का आपके सामने खड़ा है, उसका नाम पास्टर भजेंद्र सिंह है। दोस्तों, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि प्रॉफिट जी ने कैसे अपनी गवाही बताई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय मसीह की।